नमस्कार दोस्तों, निधि की विधि में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे आलू का हलवा बहुत ही अलग तरीके से। तो आप सभी लोग इस आलू के हलवे को बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं मेरी किचन में और बनाते हैं आलू का हलवा। आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको बॉईल कर लिया है और अच्छे से उनको मैश कर लिया है। अब यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई रख ली है और जो फ्लेम है हमारी वो होनी चाहिए एकदम लो। और इसके अंदर मैं डालूँगी जो एक कटोरी मलाई, जो हम दूध के ऊपर से निकालते हैं वो वाली मलाई, ये एक कटोरी मलाई मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इस मलाई को हमें क्या करना है, इस मलाई को हम कर लेंगे मेल्ट। देखिए जो मलाई है अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसके अंदर बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे उबले हुए आलू थे वो इसके अंदर डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और हमें अच्छे से इसको चलाना है। आपको इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये क्या होगा, नीचे जलने लगेगा। तो शुरुआत में हमें इसे लगातार चलाते ही रहना होगा और हम जो हमारी फ्लेम है उसको थोड़ा सा मीडियम पे कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से जो ये आलू हैं इस मलाई के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बस इसी तरह से हम इसको सेकते रहेंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए मुझे इसी तरह से चलाते हुए और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से जो मलाई है हमारी वो यहाँ पे घी में कन्वर्ट हो चुकी है। आप देखिए बिल्कुल भी जो ये हलवा हम जो बना रहे हैं ना, ये आलू ये बिल्कुल भी इस कढ़ाई को अब चिपक नहीं रहा है। बस थोड़ी देर में ये जो है थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाएगा, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम आगे की चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मलाई है एकदम उसने घी अपना अच्छे से पूरा छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से 3 छोटी इलायची जो होती है वो डालेंगे थोड़ी सी उसको पीस करके, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है इसके अंदर। और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो टोटल जो है 15 मिनट हो गए मुझे इसको सेकते हुए और देखिए जो इसका कलर है वो थोड़ा ब्राउन भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जिस कटोरी से हमने मलाई ली थी सेम उसी कटोरी के माप से एक कटोरी इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चीनी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, घी ना डाल के मलाई डालने से हलवे में क्या चेंज आता है कि एक तो जो मलाई है वो घी तो छोड़ती ही छोड़ती है, इसके अलावा उस घी से जो है, उस मलाई से जो है वो मावा भी बनता है और उसका भी टेस्ट इस हलवे के अंदर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है ये। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से हमारे ड्राई फ्रूट्स कटे हुए। मैं यहाँ पे बादाम डाल रही हूँ और आप अपनी इच्छा से इसमें काजू, किशमिश और जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और इसको 5 से 7 मिनट और हम इसी तरह से सेकेंगे। तो देखिए चीनी डालने के बाद 5 मिनट मैंने और इस हलवे को अच्छे से सेक लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छा जो है कलर हो चुका है इसका और एकदम बनके रेडी है खाने के लिए, एकदम रेडी है ये। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।